जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत सारी चीजें चर्चा कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने समझा था वर्ड के बारे में, सेंटेंस में हमने उसके पार्ट तो बहुत सारी चीजें देख लिया था। आज हम लोग सेंटेंस में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज नाउन पढ़ने वाले हैं। तो पहले के वीडियो से मैं आपको नाउन के पहचानने या रूबरू कराया था, नाउन को कैसे पहचानोगे किसी भी न्यूज पेपर में देख करके, किसी भी बुक में देख करके, वर्ड के एंडिंग के अनुसार भी सिखाया था, कोई वर्ड किस तरह एंडिंग करेगा तो वो नाउन होगा, ये तमाम चीज़ें आपको हमने बता दिया था। ठीक है, तो हमें समझना है कि सर आज नाउन स्टार्ट करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और बारीकी से समझना, क्योंकि एक चीज़ मिस करोगे ना, नाउन आ जाएगा ना तो नाउन से 60% आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा। ये बात याद रखना, नाउन पढ़ लिए तो 60% ग्रामर क्लियर हो जाएगा। क्यों समझना, थोड़ी सी बातों का पेशेंस रखना और बारीकी से समझना, क्योंकि नाउन कितना इंपॉर्टेंट। देखो, ये चैप्टर नाउन है ना साथियों, अगर नाउन पढ़ लेते हो, मैंने बताया है किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है, हमेशा नाउन होगा सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो। इंग्लिश में सेंटेंस ही होता है ना साथियों, मुझे बताना, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो तो वहाँ पे सेंटेंस होते हैं, छोटे फॉर्म में या पैराग्राफ में हो तो स्टार्टिंग सेंटेंसों को संग्रह करते ही पैराग्राफ बोलते हो, वहाँ पे सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, मैंने क्या बताया, नाउन ही होता है सब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस में एक और क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, नाम सुनो ना, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। तो नाउन जो ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट समझो, नाउन क्या क्या हो सकता है, मैं लिख करके समझा दूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे ना जिन्हें बोलने समझ में नहीं आता, उन्हें चाहता है लिख करके बताइए, तो मैं लिख करके भी समझा देता हूँ साथियों, समझने की प्रयास कर। नाउन आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका साथियों सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन नाउन क्या हो सकता है साथियों, आपका सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट के अलावा सर साथियों क्या क्या हो सकता है नाउन, इसके डेफिनेशन पे आऊंगा, वेट करो, पहले नाउन को समझो कि नाउन की यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ऐसे डेफिनेशन रटवाने से कुछ नहीं होगा साथियों, आप कोई से भी इंग्लिश ग्रामर खरीद लो, वहाँ भरे पड़े हैं डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन हमें नहीं सीखना है सर, हमें उसकी यूजेज सीखना है। जब आपकी एग्जाम होती है, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, सिक्स लेके ट्वेल्थ के बीच में और उसके ऊपर की भी बात करें, तो वहाँ पे ये नहीं पूछता है कि राम किया है, राम प्रॉपर नाम है क्या, नहीं, वो आपकी यूजेज पूछता है, आपका एरर्स पूछता है, उसकी यूज कहाँ करते हुए, नाउन का पोजिशन क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आती है तो आपको समझना पड़ेगा नाउन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस लेवल पर करते हैं और किस जगह पर करते हैं। तो पहले हमने उनको समझा कि नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, उस तरह समझना नाउन को किस तरह यूज कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। देखो ये 100% यही होगा, ये 99% यही होगा। ठीक है, 100% 99% मान सकते हो 100%, लेकिन कुछ केसेस होते हैं। देखो ग्रामर अपनी लैंग्वेज नहीं, मैंने हर वीडियो में बताया कि दूसरे की लैंग्वेज है और दूसरे की जो लैंग्वेज है तो उनकी बातों का मानना हमारा फर्ज होता है। ये बात मैंने बहुत बता दिया, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं ना, कुछ शरारती इसमें जुड़े होंगे लाइव में, तो वो पता है ना बहुत सारे कुछ निकालेंगे कि सर ये ऐसा होता है, कमेंट करेंगे, मुझे पता है। तो उन लोगों के लिए मैंने 0.1% मैंने बैक रखा है। और क्या हो सकता है नाउन में, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट में कितने हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के क्या चांसेस है कि नाउन कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तो 45% लेकर के चलो, या तुम ले लो 45, नहीं लेना चाहते हो तुम लेकर के चलो 33% कॉम्प्लीमेंट होता है, कम्प्लीमेंट समझ लो, लेकिन मेरे हिसाब से मानोगे 65% यानी एवरेज लेकर चलो, कम्प्लीमेंट भी नाउन हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कम्प्लीमेंट। सेंटेंस में यही तीन होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एक ही तो बच रहा है वर्ब, इसलिए नाउन का महत्व सीखो। अब देखो नाउन पढ़ोगे तो तुम्हारे तुमको क्या क्या आ जाएगा इसको भी समझ लो, फिर हम लोग नाउन का डेफिनेशन समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कहोगे कि सर वाह मजा आ गया। लेकिन पहली बात समझो, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, समझ गए, बातों को बारीकी से समझना है और अच्छे से प्यार से समझना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक करोगे ना तो बहुत बड़ा वो चीज हो जाती है, बताऊंगा कैसे हो जाती है। एक सिंगल लेटर कैन बी चेंज होल मीनिंग, एक छोटा सा लेटर ना आपको पूरे मीनिंग को चेंज कर देता है सेंटेंस की, बताऊंगा, वेट करो, वेट। देखो नाउन में हमने बात किया कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कम्प्लीमेंट हो सकता है। अब समझते हैं सर नाउन पढ़ेंगे तो हमारा क्या क्या क्लियर हो जाएगा, आपने भी बोला सर नाउन पढ़ने के बाद 60% ग्रामर क्लियर हो जाता है, तो
तो कैसे हो सकता है मुझे सर बता दीजिए, ये देख लीजिए नाउन पढ़े हो तो आपको क्या क्या क्लियर हो जाएगा। जैसे ही साथियों आप नाउन पढ़ते हो आपका प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या चीज साथियों? प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रोनाउन। जब आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ लेते हो आप एडजेक्टिव का यूज सीख सकते हो। क्या चीज का? एडजेक्टिव। आप देखो यहाँ पे मैंने देखा है, अभी अपन जब से मैं लगभग 2 साल हो गए मुझे, तो बहुत सारे टीचरों को मैंने जब मैं पढ़ता था इसे एडजेक्टिव बोलता है लोग, जबकि एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव होता है। ये जो डी होता है ना साइलेंट होता है, ठीक है, ये मैं आपको फोनिक्स फोनेटिक्स होते हैं जो लैंग्वेज का जो साउंड होता है प्रोनाउंसिएशन होता है वो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अभी शुरुआत बेसिक से पढ़ते चलो और बारीकी सीखते चलो। जब स्पोकन की एक बैच स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कौन सा वर्ड क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चीज समझ लो, ए और जे के बीच में जब भी डी आएगा, समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, ए और जे के बीच में जब भी डी आएगा तो जो डी होता है डी म्यूट हो जाता है। म्यूट समझते हो ना, फोन यूज करते हो ना, वहाँ पे देखना एम यू टी लिखा था, म्यूट मतलब बंद, यानी कि साइलेंट हो जाता है, यानी कि डी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं ट्रेन में तो हम लोग बोलते हैं एडजस्ट हो जाइए, नहीं एडजस्ट नहीं बोलेंगे, एडजस्ट एडजस्ट बोलेंगे, डी साइलेंट हो जाएगा वहाँ पे। छोटी मोटी चीजों को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमने सीखा नाउन पढ़ लेते हो तो प्रोनाउन की तरफ जाता है, अगर आप प्रोनाउन पढ़ लेते हो तो आप एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन पढ़ेगा तो एडजेक्टिव का यूज करना आ जाएगा आपको, एडजेक्टिव का यूज करना आ जाएगा। अब जैसे ही इन सबको पढ़ लेते हो तो आपको, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है नाउन और सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, इसलिए मैं नाउन का नाउन ही होगा सब्जेक्ट। तो जब ये चीज आ जाता है तो आपको वर्ब भी लगाना आ जाएगा, उसकी जगह पर वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वाला वर्ब लगेगा कि प्लूरल वाला वर्ब लगेगा, ये भी चीज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा 4 चीजें, तब आपको वर्ब भी क्लियर हो जाएगा, और जब आपके वर्ब भी क्लियर हो जाएगा तो आप एडवर्ब भी लगाना सीख जाओगे, समझ लो ना, तब एडवर्ब भी लगाना सीख जाओगे। जब आपका वर्ब क्लियर हो जाएगा तो एडवर्ब भी लगाना सीख जाओगे। इसीलिए मैंने कहा है ना कि 60% नाउन से रिलेटेड होते हैं सारी चीज़, तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बारीकी से समझना, क्योंकि नाउन को जो बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, बहुत सारे कहते हैं सर नाउन ही तो है, इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं, नाउन ही तो है ना, ना ना नाउन को हल्के में मत लो, जो चीज़ देखने में आसान होता है साथियों ना बहुत टफ होता है। अभी नाउन में बहुत कुछ पढ़ने के मिलेंगे, नाउन अभी तक यूट्यूब पर सिर्फ आपने छोटे मोटे चीज पढ़ेंगे, मैं पूरे डिटेल्स तक इसके लेकर चलूंगा, ठीक है, लेकिन बारीकी से समझना। अब नाउन की मैं क्लास की ओर बढ़ रहा हूँ, ये थी छोटी मोटी बातें इसके बारे में, नाउन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नाउन पढ़ेंगे तो क्या क्या हम सीख पाएंगे। अब चलते हैं अपने सेशन की ओर, समझते हैं नाउन एक्चुअली है क्या, ठीक है। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी वर्ड को देख करके हम उसको डिफिनीशन नहीं दे सकते हैं, हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, जब क्लास स्टार्ट किया था आपका क्या चीज़ का इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्लास स्टार्ट किया था, हमने शुरुआत में ही बताया था किसी भी वर्ड को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि वर्ड क्या है, हम उसके फंक्शन के आधार पे उसे बता सकते हैं कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, उसके फंक्शन के आधार पर बता सकते हैं। ऐसे देख करके किसी के बारे में नहीं बता सकते कि वो उसका अस्तित्व क्या है फंक्शन के आधार पर, लेकिन आप बेसिक पे हो तो बेसिक पे आपको समझने के लिए क्योंकि वो डिफिनेशन देना हम लोग का दायित्व बनता है। मैं ये नहीं कहता जो बुक में लिखा होता है गलत होता, नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिकल सोच के देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम अभी समझते हैं नाउन एक्चुअली होता है। देखो ये जो नाउन वर्ड है ना साथी, ये जो आपका नाउन वर्ड है, अच्छा ये जो नाउन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड क्या होता है, नोमेन से बना हुआ है। क्या चीज साथियों? नोमेन, एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है। क्या चीज से? लैटिन वर्ड। देखो लैटिन वर्ड, ग्रीक, लैटिन, यूनानी, ये सब क्या होते, एक इंग्लिश जहाँ वेस्टर्न लैंग्वेज थी वो सब की भाषा है। लैटिन एक वर्ड है जिसका, लैटिन एक वर्ड नोमेन है जिसका ये नाउन बना हुआ है नोमेन से, ठीक है। और ये नोमेन का मतलब होता है नेम, क्या होता है नेम, और नेम का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, बताना मुझे जरा, आप सब फटाफट कमेंट करो, सबके कमेंट के वेट कर रहा हूँ। नेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब जल्दी फटाफट कमेंट कर दो साथियों, फटाफट कमेंट करो। इस नेम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साथियों नाम, क्या बोलते हैं साथियों? नाम। अब मुझे बताना साथियों, कुछ समझे, कुछ समझ पाए,
यानी कि जो नाउन है ना, किसी भी चीज का नाम के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर इफ आई डिफाइन दिस देन आई फाउंड, ये किसी भी चीज का नाम को रिप्रेजेंट करता है। ये नाउन कुछ होता नहीं है, लेकिन नाउन क्या करता है, किसी भी चीज को समथिंग एल्स उसके नाम को डिफाइन करता है, उसी को तो नाउन बोलते हैं। इसको बारीकी समझना, नाउन एक लैटिन वर्ड नोमेन से आया है जिसका मतलब होता है नाम, और नाम मतलब समझते हो ना, किसी चीज का भी नाम हो, किसी भी चीज का कुछ भी नाम हो वो नाउन कहलाएगा। इसीलिए बहुत सारे बुकों में दिया जाता है कि नाउन इज एनीथिंग, नहीं नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड। फिर बहुत सारे बुकों में लिखा होता है नाउन इज एवरीथिंग, लेकिन एवरीथिंग में बहुत सारा कुछ आ जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत थी। लेकिन समझना, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस, जो कुछ भी हमारे आसपास जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा। कैसे होगा, एक प्रैक्टिकल समझो, मैंने ये पहन रखा है इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ नाम है ना साथी, इसका नाम शर्ट है, इसका नाम शर्ट है तो यह नाउन है। जैसे देखो मेरे हाथ में क्या है, एक चीज है ऐसा बना हुआ है, इसको मार्केट में लोग क्या बोलता है, तो मार्केट में लोगों को दैनिक जीवन में इसे मार्कर बोलते हैं, इसका जो नाम मार्कर आया ये भी एक नाउन है। अब समझना, ये मेरे हाथ में एक चीज है जिसे मैं रब करता हूँ, इसे भी कुछ ना कुछ, इसको क्या बोला मैंने, रब, रब करने वाला थिंग्स है, इसका जो रब करने वाला मैंने बोला ये भी नाउन है। अब समझना, मेरे हाथों में एक पेन है, पेन है देख लो ना, मेरे हाथों में एक पेन है, तो इस ये चीज है ना, इसका मैंने नाम क्या बोला, पेन, तो ये पेन भी क्या है, नाउन है। अब समझना, इसी में थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करूँ, इस पेन का भी कुछ खास नाम होगा। इस पेन का खास नाम क्या है, एक मिटक चुका है, लेकिन इसका खास नाम है एग्नी, इस कंपनी का नाम है एग्नी, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी में आ जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन पेन क्या है, कॉमन नाउन, मैं ये सारी इसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझो कि ये नाउन है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ नाम है। अब समझना, मेरे हाथ में एक चीज देख रहा हूँ, इसका शेप ऐसा है, इसमें कुछ पेजेज है, इसका नाम क्या है, साइंस, साइंस नाम है इसका, इसका भी इसका साइंस नाम है, तो ये भी नाउन है। और बाय द वे इसे मार्केट में लोग बुक बोलते हैं, तो ये बुक भी क्या हो जाएगा, आपको नाउन ही हो जाएगा। समझ गए साथियों, इसी तरह ले लो, ये देखो मेरे पास एक माइक का वायर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायर बोलेंगे, ये भी आपका क्या है साथियों, नाउन है। तो मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में कुछ भी हो का कुछ नाम होगा वो नाउन होगा। समझ गए, अब आ जाते हैं थोड़ा सी इसको डिटेल करने की कोशिश करते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो अगर करना चाहते हो कि नाउन कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुआ, ताकि आपको बेस्ट हो सके, आप समझ पाओगे कि बेसिक से कैसे नाउन आया था। ठीक है साथियों, अब समझने के हम लोग प्रयास करते हैं। चलो, जब ये नाउन आया तो नाउन को कैटेगरीज किया गया होगा, नाउन का डिफिनेशन लिखवाना पड़ेगा। चलो लिख लो साथियों, आपके लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ नाउन का डिफिनेशन, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगा नाउन का डिफिनेशन। लिख लो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एंड एनिमल, ये तो आपको बुक में होता है, लेकिन ऐसे लिख लो नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज का नाम वो नाउन कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। लिख सकते हो नाउन इज The name of, now is the name of something, कुछ भी कोई भी चीज का नाम हो तो नाउन कहेंगे, कुछ भी चीज हो उसका कुछ नाम हो उसे नाउन कहेंगे। समझ गए साथियों, सबको आ गई समझ में। अब यहाँ पर नाउन की कैटेगरी पे आते हैं, नाउन की बंटवारे पे आते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार का होता है, इन चीजों पर आ जाइए। देखो हम लोग बात कर रहे हैं नाउन की, नाउन को सबको हिंदी पता है ना, नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा, नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा। चलो आप सब अच्छे बच्चे हो, नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा, सबको पता है। चलो यहाँ पे मैंने लिखा नाउन, अब मुझे सभी कोई फटाफट नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, सभी कोई फटाफट मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, मैं जानना चाहता हूँ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन बता सकता है, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। अरे साथियों अभी तक पढ़ते आ रहे हो, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये बात पता होना चाहिए। देखो जनरली देखा जाए तो नाउन 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक में 5 ही दिए होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा 8 प्रकार कैसे होते हैं, कौन कौन सा होता है,
में कौन सा पार्ट्स और इंक्लूड है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी समझो पांच प्रकार की। नाम में एक पहला आ जाता है आपका प्रॉपर, क्या कहता है साथियों, प्रॉपर, समझ रहे हो, नाम में पहला आ जाता है प्रॉपर। दूसरा आ जाता है आपका साथियों कॉमन, ठीक है, दूसरा आ जाता है कॉमन। और थर्ड आ जाता है आपका कलेक्टिव, ठीक है, क्या दे रहा सबको, कलेक्टिव आ जाता है। और चौथा आ जाता है आपका साथियों मटेरियल, ठीक है। और आपका पांचवा आ जाता है साथियों अब्स्ट्रैक्ट, क्या आ जाता है साथियों, अब्स्ट्रैक्ट। देखो हम लोगों ने पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं, कॉमन नाउन पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन पढ़ते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है कौन कौन सा नाउन होता है, फटाफट नोट डाउन कर लो। आप चाहो तो ऐसे फिगर बना कर नोट डाउन कर सकते हो, या तो सीरियल वाइज करके एक नंबर में प्रॉपर नाउन, दूसरे नंबर में कॉमन नाउन, तीसरे में कलेक्टिव, चौथे में मटेरियल, पांचवे में अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा हट गया, ठीक है, जल्दी से कर लो और जल्दी, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाते हैं, अब हम लोग बारीकी से सबको समझने की प्रयास करेंगे, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। चलिए ये चीजें समझ में आ गई कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं, पांच, लेकिन मैं आपको आठ सिखाऊंगा, वो भी बता दूंगा कैसे कैसे। चलो पहला हम लोग देखेंगे प्रॉपर, फर्स्ट देखेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। पहला देखेंगे प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर समझने के प्रयास करना किसी भी चीज को, प्रॉपर प्रॉपर जब हम वर्ड बोलते हैं वर्ड से इससे क्लियर हो जाता है कि इसकी मीनिंग क्या कह रहा है, प्रॉपर यानी कि एक साधारण में बात कर रहा है किसी भी चीज को, यानी कि प्रॉपर चीजों की बात कर रहा है, यानी कि उस खास चीजों की बात कर रहा है, इसका डिफिनेशन हो सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं द नेम ऑफ पर्सन प्लेस या एनीथिंग, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, वो खास होना चाहिए। अब देखो प्रॉपर नाउन को समझने के लिए थोड़ा सा मुझसे अभी आप इंटरेक्ट हो, दुनिया में ऐसा चीज होना चाहिए उसके जैसा कोई और ना हो। अब देखो कुछ बच्चे को कंफ्यूज लगेंगे ऐसे क्यों बोल रहे, समझो दुनिया में वो ऐसा एक चीज होना चाहिए उसके जैसा कोई और ना हो, जैसे मैं हूँ शक्ति, मेरे जैसा कोई नहीं होगा दुनिया में, शक्ल मिल सकती है लेकिन फिंगर नहीं मिल सकती, फिंगर में फिंगर कभी तो मिल ही नहीं सकते, मिसमैच ही होंगे, शक्ल मिल जाएंगे तो मेरा साउंड नहीं मिलेंगे, अगर मेरा साउंड मिल जाते हैं तो जो मेरा दिमाग है आईक्यू लेवल वो नहीं मिल सकते। तो कहने का मतलब जो यूनिक हो, जो दुनिया में अद्वितीय हो, यानी प्रॉपर कहने का मतलब है, मेरा प्रॉपर कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा तरीका है समझने की, ठीक है। बाय द वे आप रट्टा मरवाना चाहते हो तो मैं लिखवा दूंगा, उसके उसके भी मेरे पास उपाय है कैसे आप काम आएंगे आपको। जो दुनिया में यूनिक हो उसके जैसा कुछ और नहीं हो, जैसे बताना इंडिया, इंडिया का जैसा कोई और देश है नहीं है, देश है बहुत सारा देश है, सब डेवलप है लेकिन इंडिया जैसा महान देश नहीं है। जैसे आप ले लो ताजमहल, जैसे ले लो अपने इंडिया का ताजमहल है, तो ताजमहल जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो ताजमहल भी आपका प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जैसा आपके तरह है लेकिन आप जैसा नहीं बन सकता, आपके उसके आईक्यू लेवल नहीं मिल सकते, आपके उसके जो आई के प्लेटिनम है वो भी नहीं मिल सकते, यानी कि बायोलॉजिकल भी जो आपके होते हैं वो भी चेंज होंगे, यानी कि आप अपने आप में खास हैं, आप जो हो ना अपने आप में खास हो, उसी को तो प्रॉपर बोलते हैं। जो अपने आप में कुछ खास हो, उसके अंदर कुछ विशेषता, वो प्रॉपर होते हैं। अब समझ गए होगा कंसेप्ट, इसके डेफिनेशन भी लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जुड़े होंगे डेफिनेशन के पीछे भागते हैं, तो उनके लिए डेफिनेशन भी लिखवाना पड़ेगा, अगर डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको, क्योंकि पहले लॉजिक हम क्लियर करवाएंगे, क्योंकि लॉजिक क्लियर रहेगा ना साथियों आपका, तो कभी भी बात नहीं खाओगे, कभी भी कोई आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर होगा, जब आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कोई आपको पीछा नहीं कर सकता, भले कितना भी आप कमजोर हो क्यों ना हो, लेकिन लॉजिक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा तो मारना आपकी वो है ही, ठीक है, जैसा समझो लिख लो, इसके डेफिनेशन लिखवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लिख सकते हो कि प्रॉपर प्रॉपर नाउन इज the name of individual
इंडिविजुअल नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन प्लेस एनिमल थिंग थिंग्स भी लिख सकते हो एंड समथिंग। देखो मैं हिंदी नहीं लिख वाला, हिंदी लिखने की कोशिश करेंगे ना साथियों तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेंगे तो फिर समझ लो ना सीख नहीं पाओगे, बोरिंग फील करने लगोगे। देखो कह रहे प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स एंड समथिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो किसी इंडिविजुअल यानी कि विशेष व्यक्ति, विशेष कहने का मतलब वो खास हो अपने आप में, उसके नाम पर्सन का नाम होना चाहिए। नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग एंड समथिंग, समथिंग का मतलब जो इसके अलावा बच जाते हैं जो कुछ भी, वो सारे प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। क्या आता है साथियों? प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। फिर से समझ लो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का, किसी और भी चीज़ जो बच जाते हैं इसके अलावा, उन सब का खास नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पर किसी को दिक्कत हो फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है? तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो क्योंकि रब भी करना होगा, मैं हट जा रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो। ऐसा है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? चलो अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन पढ़ने से, डिफिनेशन देने से सिर्फ काम नहीं चलता है, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है, डेफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन किस लेवल के आ सकता है, सारी चीजें मैं बताने की प्रयास करूंगा, बने रहो, समझना। क्वेश्चन किस किस लेवल का पूछेगा ये समझने के प्रयास कर। देखो जो आपके प्रॉपर नाउन पढ़े तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद और प्रॉपर नाउन में डीपली बताऊंगा प्रॉपर नाउन के बारे में, लेकिन पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि कॉमन वर्ड्स जो आपके आएंगे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ लेंगे राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन, ये सब नहीं पूछेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा राम, राम इज बॉय, ठीक है मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन है राम इज अ बॉय। चलो इसका क्वेश्चन मैं इसमें लिख दे रहा हूँ प्रॉपर नाउन से ही, ले लो ताजमहल, ताजमहल चलो ताजमहल बहुत इससे बड़ा हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, छोटे छोटे दूंगा क्योंकि अभी शुरुआत की हो, ठीक है? छोटा और सेंटेंस में क्या दे दूँ? हाँ दे सकता हूँ, जैसे प्रॉपर नाउन से और एग्जाम्पल ले लूँ तो ले लेता हूँ मैं, ठीक है? अब मुझे बताना एक और है, क्योंकि एग्जाम में जब जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन होते, ठीक है? और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैम, आ जाओ मुझे बता दो, चार एग्जाम्पल लिखे हो इनमें से सेंटेंस कौन सा सही है मुझे बताओ। चार एग्जाम्पल आपके सामने डाल दिया मैंने, इसमें से बताओ कौन से एग्जाम्पल से, फटाफट कमेंट करो, क्योंकि ये सब जो चीजें है ना आपको ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा कॉमन नाउन होता है, कॉन्क्लेटिव होता है, ये सारी चीजें नहीं पूछते हैं साथियों, पूछते हैं लेवल हाई करके। इन टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ट्वेल्थ में होंगे तो उनको, आप जूनियर पढ़ रहे हो तो मैं उनके लिए भी सोल्यूशन करवाऊंगा, जूनियर दो तीन दिन के अंदर मैं कराऊंगा जूनियर का सोल्यूशन, ठीक है? लेकिन पहले यहाँ समझो, क्योंकि उन्हें कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में दिक्कत होंगे, प्रॉपर नाउन पहचानने में दिक्कत होंगे, तो उनके लिए भी क्लासेस में करा दूंगा, उनके लिए मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन जो आपकी एग्जाम के पैटर्न पे जो सवाल पूछे जाते हैं, इस लेवल का सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से नहीं देंगे, उसमें स्लैश लगा लगा देते हैं, ठीक है? जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो इस लेवल के ही क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आप जब ट्वेल्थ लेवल में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस कौन सा सेंटेंस सही है, बताओ मुझे, इसके पीछे एक लॉजिक है, कहानी बताऊंगा, जल्दी बता दो मुझे साथियों, जल्दी क्या ये सही सेंटेंस है, क्या ये है, ये है, ये सभी को कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरी बात मानोगे साथियों, सेंटेंस में एक यही सेंटेंस सही है, बाकी सारे गलत थे,
नहीं कहूंगा बाकी सारे गलत है। कैसे गलत है? आपके देखने से सारे सही लगेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देख रहे हो ना कि लगेंगे कि सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन सेंटेंसेस में कुछ एरर हैं। कैसे हैं मैं बताता हूँ, समझो। पहला सेंटेंस लिखा हुआ राम इज ए बॉय, समझना बारीकी से समझना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम इज ए बॉय, यहाँ पे ये राम जो होना चाहिए था, ये राम जो लिखा गया है नाउन कॉमन नाउन भेड़ की बात कर रहा है, भेड़िया का, क्योंकि जब भी प्रॉपर नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए सेंटेंस ये गलत था। पहला सेंटेंस समझ गए। अगर सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है द राम, हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि प्रॉपर नाम खास होता है, तो फिर उस चीज़ को हम खास क्यों बनाएंगे? जो पहले से ही खास हो, जो पहले से ही खास हो, उसमें खास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है 90% केस में। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करना पड़ता है, लेकिन 90% मान करके चलो जो खास है तो उनमें द आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो एक प्रॉपर नाउन का आर्टिकल नहीं लगता है। तो जबकि राम के पहले आर्टिकल द लगा था, इसलिए सेंटेंस गलत था। लेकिन हम आम जीवन में बोलते हैं द राम इज, तो वो स्पोकन में चलती है, लेकिन ग्रामर के सेक्शन में बात करोगे सेंटेंस गलत है। आ जाओ तीसरे नंबर सेंटेंस की तरफ। तेरा शशि इज ए स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में भी लिखा हुआ था, इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया था, भाव भी सिंगुलर लगा था, स्टूडेंट के ठीक पर आर्टिकल भी लगा था, क्योंकि स्टूडेंट और कमन पहले आर्टिकल लगते हैं, इसलिए सेंटेंस सही थी। क्योंकि अब देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राम इज बॉय, अब देखो यहाँ पे ये सही था, लेकिन बॉय के पहले आर्टिकल नहीं लगा था, इसलिए सेंटेंस गलत था। किस किस को ये कंसेप्ट से कुछ सीखने को मिला, क्या क्या यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया जल्दी बताओ मुझे, किस किस को कुछ कुछ सीखने को मिला, जल्दी जल्दी बताओ मुझे किस किस को सीखने को मिला, जल्दी बता दो किस किस ने कुछ सीखा है, जल्दी जल्दी बताओ सभी कोई साथी हो, जल्दी बताओ जल्दी, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या क्या सीखने को मिला। पहले सीखने को ये मिला कि जो ये राम है हमेशा जो प्रॉपर नाउन होगा वो सेंटेंस की कहीं भी आए, सेंटेंस की शुरुआत में आए, सेंटेंस के बीच में आए, कि सेंटेंस के अंत में आए, जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा साथियों? कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। दूसरा बात, हम लोगों ने ये समझा इस सेंटेंस से क्या सीखा, जो प्रॉपर नाउन होते हैं तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्या पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, हम लोगों ने यह सीखा कि प्रॉपर नाउन ठीक है, कैपिटल है, आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन उसके बाद वाला जो भी एक वर्ड होगा अगर वहां पे नीड हो आर्टिकल लगाने के लिए तो वहां भी हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ये चीज हम लोगों ने सीखा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में ये चीज सीखा था, इसके हम फैक्ट लिखवा दे रहा हूँ, फैक्ट लिखने की प्रयास करो, ये नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बंदा अगर कोई स्टूडेंट होगा जो नोट डाउन करना चाहता है तो लिख सकता है, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो मैं आशा करती हूँ कर लिए होंगे। नोट डाउन सभी ने कर लिया होगा। आज हम इसके फैक्ट के बारे में कुछ चल लेते हैं कि फैक्ट लिखना बहुत जरूरी है एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही आपके आप बनाओगे तो एरर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी से आपको सारे चीज आ रहे होंगे तो फिर क्या बोलते हैं उसे, गलतियां करने के चांसेस कम हो जाते हैं। फैक्ट पहला लिखना, फैक्ट नंबर एफ फर्स्ट लगाना, फैक्ट नंबर फर्स्ट लिखना, क्या होगा समझ रहे हो ना, फैक्ट फर्स्ट हो जाएगा आपका कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी जो स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल लेटर से करेंगे, कैपिटल लेटर से शुरुआत ही करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदे छोटे बच्चे के लिए लिख दे रहा हूँ, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे प्रॉपर नाउन को, ठीक है, प्रॉपर नाउन को कैसे स्टार्ट करोगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। चलो फैक्ट नंबर सेकंड में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसके पहले लिखोगे इसके पहले ठीक है, ए आर टी का मतलब समझ लेना आर्टिकल, लिखो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, नहीं लगाते हैं, ठीक है,
ठीक है, नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। फैक्ट नंबर थर्ड बताओ, फैक्ट नंबर थर्ड कौन कौन जानना चाहता है, जल्दी बता दो। फैक्ट नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन जानना चाहता है मुझे बताओ कमेंट करके। फैक्ट नंबर थर्ड तभी बताऊंगा जब सभी कभी कमेंट करेगा। चलो फैक्ट नंबर थर्ड समझ लो। फैक्ट नंबर थर्ड ये कहता है कि जो ये प्रॉपर नाउन है, जो आप प्रॉपर नाउन पढ़ते हो, वो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसके साथ आने वाला भाव जो होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर भाव को देगा। क्योंकि हम राम के साथ क्या आर लगाए थे, क्या शशि के साथ सिंगुलर भाव लगाए थे? नहीं लगाए थे, वहां पे हम सिंगुलर भाव की यूज किए थे। तो इस कंसेप्ट से कुछ क्यों किसको दिमाग खुला, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना कभी भी प्रॉपर नाउन को, ये बातें समझ गए। इसके पहले आर्टिकल, ए आर टी का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तो देखो इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, बड़ा सीज में बहुत सारे आने बच्चे। चलो आर्टिकल समझ गए, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, समझ गए। सिंगुलर होता है प्रॉपर नाउन, भर्ब भी सिंगुलर लेता है। ये सारे कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए ना? नोट डाउन कर लो फटाफट। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। साथियों हम अब जो नाउन के अगले पॉइंट पर चलेंगे पिक पे, वहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान लगा के बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम बताएंगे ना वो प्रॉपर नाउन को बहुत आसान कर देगा पहचानने के लिए। क्या कर देगा? आसान कर देगा, प्रॉपर नाउन बहुत आसानी से उस चीज़ों से पहचान सकते हो, ठीक है। चलो समझो, किसी भी समझना, किसी भी व्यक्ति के खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, सारे को मैं एग्जांपल देते जाऊंगा, इसे मैं मिटा दूं साथियों, आ जाओ, क्योंकि थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रॉपर नाउन में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर लेंगे। मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, कहीं भी मिस्टेक करे। मेरा एक ही काम है कि आप जब भी पढ़ो कोई भी मिस्टेक ना करो, कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे आप उससे झट से विद इन सेकंडों में आप आंसर दो। इसलिए मैं पिछले वीडियो नाउन के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको नाउन से रूबरू कराया था। तो मैं चाहता हूँ आप कहीं भी मिस्टेक या कहीं भी गलतियाँ ना करें, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे, ठीक है, समझो। हमें आपको इसके लिए एक आसान करने के लिए आपको प्रॉपर नाउन को कुछ लाया हूँ, उसे समझना, फिर आप प्रॉपर नाउन में नहीं फंसोगे। ध्यान से सुनोगे तब, नहीं सुनोगे तो फिर वही की हानि रहेगी। मैंने पिछला कहा कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, पहले क्या बोला मैंने, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन का होना, किसी भी पर्सन के खास नाम, ठीक है। किसी भी पर्सन के खास नाम को क्या बोलेंगे साथियों? प्रॉपर नाउन में रखेंगे, ठीक है। किसी भी पर्सन के खास नाम को प्रॉपर नाउन में रखेंगे। जैसे मैं पर्सन के कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा खास नाम क्या है? शशि। मेरा खास नाम शशि है, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? प्रॉपर नाम के कैटेगरी में आ जाऊंगा, ठीक है। आपका भी कुछ खास नाम होगा, आपका कुछ खास नाम होगा, जैसे राकेश आपका नाम है, आपका कुछ खास नाम है राकेश, आप क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाम की कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रॉपर नाम के कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट जो गर्ल्स में, उसकी खास नाम है रीता, तो रीता जो है ना वो भी रीता किस कैटेगरी में आ जाएगी? रीता भी आपके प्रॉपर नाम की कैटेगरी में आ जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर रीता को आर डबल ई से भी लिखते हो? लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर डबल ई, जैसे मन वैसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका नाम मोहन होगा, सोहन होगा, उनका कुछ खास नाम होगा ना, जो उनकी मम्मी ने जन्म देते वक्त या किसी मतलब खास पर्पज से नाम रखा होगा, उनके जो नाम है ना वही प्रॉपर नाउन है। यानी किसी व्यक्ति, व्यक्ति में क्या आ जाता है? वुमेन और मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो उसके खास नाम को हम क्या बोलेंगे? बता, प्रॉपर नाम कहेंगे। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है किसी भी प्लेस के खास नाम को, किसी भी प्लेस के खास नाम को, यानी कि प्लेस को बोलते हैं साथ जगह या स्थान। अब इसे लिखना पड़ेगा यार मुझे, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे। तो किसी भी जगह या स्थान के खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम। जैसे मैं जिस स्थान से पढ़ा रहा हूँ, पीवीआर स्टडी, ये भी एक स्थान है, ये भी एक प्लेस है। तो पीवीआर स्टडी अपने आप में क्या है? एक प्रॉपर नाम है।
जो पी वी आर स्टडी, मैंने इसको सारे कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि हमारे चाहोगे से छोटा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं मानना है कि सर आप अभी पढ़ाए हो सारे पी वी आर स्टार्टिंग कैपिटल तो इसका छोटा होता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसको अच्छे दिखने के लिए लिखा है, बात समझना। तो पी वी आर स्टडी भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे आप किसी कौन सा गांव से हो, कौन सा जिले से हो बताओ, आप हर अलग अलग जिले से हो सब अभी कमेंट करना अपने अपने जिले का अपने अपने राज्य का। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, एक राज्य का नाम है, ठीक है। तो यूपी भी अपने आप में क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहाँ से होंगे, बिहार से होंगे, कहाँ से होंगे साथियों, बहुत सारे बिहार से होंगे, बिहार भी क्या है, प्रॉपर नाउन। बहुत सारे बच्चे एमपी से होंगे, हमारे हमारे बहुत सारे लड़के एमपी से जुड़े होंगे, तो एमपी भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझना, स्थान के खास नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज बारीकी से समझो और फिर प्रॉपर नाउन को धुआं कर उड़ा दो, ठीक है। पर्सन के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे, जगह के भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट हमारा, समझना, किसी एनिमल, किसी एनिमल को यानी कि जानवर, पशु पक्षियों के, पशु पक्षी भी ले सकते हो इसमें, जानवर यानी कि पशु पक्षियों के भी, ठीक है, पशु पक्षियों, ठीक है, कि खास नाम को भी हम प्रॉपर नाम रख सकते हैं। क्यों, देखो जब आप घर में डॉगी कुत्ते समझते हो, गाँव में कुत्ते होते हैं, तो छोटा सा क्यूट सा कुत्ता होता है, आप इसे घर में लाते हो, इसे उस टाइम आप कुत्ता नहीं बुलाते, इसे टॉमी कहते हो, प्यार से कुछ नाम देते हो। कोई बंदे टाइगर रखते हैं, कोई बंदे उसे जैक बुलाते हैं, जैक कम, तो जो उसका नाम जैक आया, तो उसका नाम जैक आया वो प्रॉपर नाम है। जैसे ले लो, बहुत सारे इस बंदे इसे कहते हैं टॉमी, एक पास एक पशु पोछते इसका नाम रखते हैं टॉमी। कोई बंदा सुगा सुन तोता, हम लोग उसे बोलते हैं पैरट, तो पैरट का कुछ खास नाम रख देते हैं। कुछ बंदे अपने पास में पिंजरे में रखते हैं, मेरे पास भी, उसके कुछ खास नाम रख देते हैं, जैसे उसे कहते हैं, जैसे उसे कुछ खास नाम रखते हैं यार, जैसे लाल मिर्चा या कुछ और नाम रखते हैं, कुछ भी खास नाम हो। जैसे मान लिया उसे मैंने रख दिया उसका नाम माला, जैसे मैंने उसका नाम रख दिया माला, तो जब भी जाओगे कहते कहते कहोगे माला, तो बोलेगा ट्यू ट्यू बोलता है। तो उसका वो खास नाम जो जानवर के मायने रखा, यानी कि पक्षियों का जो खास नाम रखा, वो भी प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। जैसे आप देखे होंगे हीरा मोती की कहानी सुने होंगे, बैल वालों, एक किताब में था हीरा मोती, वहां बैल की बात नहीं हुई थी, उस बैल की खास नाम की बात हुई थी, हीरा मोती जो किसान ने पोसा था, उसको पाला था, जो कि दूसरे गाँव से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा था। तो हीरा मोती भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन में आएंगे, क्या हो जाएंगे, H-E-R-A-M-O-T-I। जो हीरा मोती थे, वो जो बुक वाले, वो भी जो बैल थे, हीरा मोती क्या थे, बैल का नाम था, तो बैल का खास नाम था, उसको भी हम लोग इसमें रखते हैं, प्रॉपर नाम के कैटेगरी में रखते हैं। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, मुझे कमेंट करके बताओ, कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं पढ़े होगा अभी तक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे फिर कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता। ये देखो, पर्सन के खास नाम को प्रॉपर नाम, प्लेस के खास नाम को प्रॉपर नाउन, और एनिमल के खास नाम को प्रॉपर नाउन। आ जाओ फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फटाफट जल्दी जल्दी करो साथियों, आ जाओ फटाफट करो जल्दी जल्दी, मैं आशा करता हूँ सब कुछ कर लिए होंगे। आ जाओ नोट डाउन कर रहे हो ना साथियों, आप सब नोट डाउन करना, बहुत मतलब उसे कॉपी में उतार रहे हो ना इसको, जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं लिखवाऊंगा उसे नोट करोगे ना साथियों, बहुत कुछ सीखने की मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ तीन चीजें सीख लिया, पर्सन और जगह के बारे में भी बात कर लिया था, एनिमल्स के बारे में बात कर लिया था। अब देखो किसी थिंग का नाम को खास नेम को, थिंग, थिंग से मतलब चलो वस्तु को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, हिंदी में लिखना पड़ेगा, वस्तुओं के, वस्तुओं, ठीक है, यानी कि वस्तुओं के खास नाम को अभी हम प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे ले लो, ये वस्तु है, इसका नाम मार्कर है, लेकिन मार्कर में भी कुछ इसका खास नाम है, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, इसका नाम क्या, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, ये अपने आप में इसका कुछ नाम है, खास नाम है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो प्रॉपर नाउन में आएंगे। जैसे मेरे पास एक बुक है, ये बुक मैथ का है, मैथ क्या है आपका, कॉमन नाउन है, लेकिन अंक गणित का मैथ, अंक गणित जो आता है यहाँ पर, जो अंक गणित दिखाई दे रहा है, ये भी क्या हो जाए आपके साथियों,
प्रोपन ये भी एक वस्तु है, वस्तु का नाम था, लेकिन इस वस्तु में कुछ खास नाम था, जैसे अंक गणित, जैसे ले लो अंक गणित, मैंने जैसे बोला था अंक गणित था तो भी क्या था प्रोपर नाउन। जैसे वस्तु में ले लो ये व्हाइट मार्कर पेन का जो है ये भी प्रोपर नाउन है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वस्तु में देख लो माइक, लेकिन जो माइक है बोया का है, तो बोया अपने आप में क्या हो गया प्रोपर, माइक तो कॉमन हो गया, लेकिन बोया उस वस्तु का खास नाम है। इस वस्तु का खास नाम क्या है बोया कंपनी, तो बोया भी क्या हो जाएगा प्रोपर नाउन हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों, चलो छोटा सा कंसेप्ट है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिया क्योंकि ये छूट रहा था, लेकिन ये ऐसे कोई खास नहीं था इसमें। अब आ जाओ इसके बाद भाषा का, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाषा का, क्या चीज साथियों भाषा। देखो भाषा के भी खास नाम को क्या बोलते हैं साथियों, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाषा के खास नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हिंदी, क्या लिखती हूँ हिंदी, हिंदी भी क्या है एक भाषा है, हिंदी क्या है एक भाषा है, और इसके खास नाम को हम प्रॉपर नाउन में ही देखते हैं। जैसे इंग्लिश, सही पढ़ रहे हो ना इंग्लिश, इंग्लिश भी एक भाषा का नाम है, एक अपने अपने भाषा है, और भाषा का नाम क्या इंग्लिश, इंग्लिश भी क्या है प्रॉपर नाउन में ही आएंगे, इसमें आएंगे प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। आ जाओ ग्रीक, जी आर डबल ई के, ग्रीक, ग्रीक भी क्या एक भाषा है, और भाषा का इस भाषा है, और भाषा का नाम क्या है ग्रीक, ग्रीक भी प्रॉपर नाउन ही होंगे। ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहे होंगे। आ जाओ भाषा के बाद हम लोग और किसकी बात कर लेंगे, जल्दी बता दो, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर यानी कि पत्र, आ जाओ छोड़ो हिंदी में लिख लो पत्र, पत्रिका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। देखो पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम को भी प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जैसे जो हिंदी, हिंदी वाले जो न्यूज़ पढ़ते होंगे प्रभात खबर, तो प्रभात खबर जो देखो न्यूज़पेपर है, लेकिन न्यूज़पेपर का नाम क्या प्रभात खबर, जो न्यूज़ पेपर पढ़ते उसका नाम है प्रभात खबर, जो प्रभात खबर है वो प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ता था, हम हमेशा जो शुक्रवार दिन आती थी तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और न्यूज़पेपर में हम लोग क्या पढ़ते थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे हम लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो द टाइम्स ऑफ इंडिया था ये प्रॉपर नाउन था। जैसे अभी एक दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाई होता है, जो पेपर का नाम है द हिंदू, जाओगे जब मुखर्जी नगर की ओर एक द हिंदू आता है पेपर, ठीक है, जो द हिंदू का एडिटोरियल बहुत चलता है, द हिंदू ये भी क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन ही हो जाएंगे, क्योंकि द हिंदू पेपर है और पेपर का कुछ खास नाम क्या है द हिंदू, समझ गए। पत्र पत्रिकाओं के खास नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया, आ जाओ के बाद आ जाओ पर्व एवं त्योहार, पर्व एवं त्योहार, जो पर्व आते हैं ना त्योहार, जो पर्व हम मनाते हैं, ठीक है, जैसे पर्व के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, पर्व को नहीं पर्व का नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, समझना, सबके नाम को, ऐसा नहीं कि जगह को नहीं, जगह के नाम को हमने बात किया था, तो उसी तरह पर्व के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एक चीज आने वाला है दीपावली, सबके बात हुआ कि सबको पता है कि दीपावली आने वाला है, दीपावली से पहले अभी एक चीज आने वाला है दशहरा, दशहरा आने वाला है दशहरा, ठीक है, दीपावली भी आने वाला है, ठीक है, छठ भी, इसके बाद दीपावली के जस्ट रिसेंटली बाद छठ भी आएंगे, ये सारे, फिर इसके बाद बहुत सारे जो मुस्लिम होते हैं उनको ईद आता है, तो ये सारी चीजें जो पर्व का क्या था नाम था, ये ईद क्या है पर्व है, उन लोगों में एक पर्व होती है, पर्व का क्या नाम है ईद, तो भी प्रॉपर नाउन होगा। हम लोगों में एक आता है दीपावली, जो एक पर्व आता है उसका नाम होता है दीपावली, ठीक है, ये सब क्या थे प्रॉपर नाउन के पार्ट हो जाएंगे। पर्व एवं त्यौहार को भी किस में रखते हैं प्रॉपर नाउन में ही रखते हैं। आ जाओ इससे मैं मिटा दूँ या नोट डाउन कर लिए होगे, फटाफट बताओ नोट डाउन कर लिए हो ना, आ जाओ कुछ और बच गए हैं जो बताना बहुत जरूरी है, बने रहो। कुछ स्मारकों, ठीक है, और महलों, ठीक है, स्मारकों एवं महलों के नाम को भी
में रखा जाता है प्रॉपर में रखा जैसे द रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट मतलब कौन कौन जाता है, क्या होता है द रेड फोर्ट मतलब बता दो। अरे साथियों रेड मतलब लाल, फोर्ट मतलब किला, लाल किला किसने नहीं देखा यार, द इंडिया गेट। तब क्या है किसी स्मारक, वो क्या स्मारक है, महल में आ जाएगा ताजमहल, लोटस टेम्पल, ये सारे जो महल में आ जाएंगे। ये सबसे महल का नाम है, महल तो है लेकिन उसका नाम क्या है ताजमहल। स्मारक तो है लेकिन उस स्मारक का नाम क्या है द रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ठीक है। उसी तरह द गोलघर, पटना में गोलघर है। उसी तरह प्रयागराज में आओगे तो बहुत सारे कुछ हैं जिस जगह का मतलब वो बोल सकते हैं स्मारक के नाम है, उन्हें भी प्रॉपर नाम में रखा जाता है। आ जाओ इसके बाद आ जाओ, स्मारक के बाद आप ले सकते हो नदी। नदी देखो ना, नदी एवं जो समुद्र होते हैं, जो नदी या सागर, इसे लिख सकते हैं नदी या सागर, नदी या क्या लिख सकते हैं साथियों इसको, नदी एवं सागर या महासागर भी बोल सकते हो, नदी या सागर या महासागर भी लिख लो क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे ना, तो ये क्यों महासागर। जैसे बता सकते हो द गंगा, क्या बता सकते हो द गंगा, इसके साथ बता सकते हो द जमुना, द ओशियन बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो वर्ड आएंगे वही प्रॉपर नाउन में ही आते हैं, समझ गए। चलिए इसके बाद आप लिख सकते हो, वो हो जाएगा कौन सा, इसके बाद आप लिख सकते हो पहाड़ों का नाम को भी, जो पहाड़ होते हैं, क्या लिख सकते हो पहाड़ों के नाम, पहाड़ के नाम को भी क्या बोल सकते हैं साथियों प्रॉपर नाउन में ले सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, माउंट एवरेस्ट लिया क्या है प्रॉपर नाउन है, द हिमालय भी क्या है प्रॉपर नाउन है। इसी तरह एक और हो जाएगा जो लास्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकाशीय बोल सकते हो, दिशा का नाम, सीधा सीधे बोलो ना दिशा का नाम, यानी कि दिशा के नाम को भी, दिशा को नाम को भी क्या बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते, जैसे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, इन सबों को भी क्या बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन रखते हैं। अब देखो मंथ और वीक के नाम को भी, मंथ या वीक के भी नाम को भी हम लोग प्रॉपर नाउन रखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जो होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। मंथ के नाम भी क्या होते हैं प्रॉपर नाउन में आते हैं, और वीक में आ जाता है संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं होता वेंसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, गाना सुने होगा ना सैटरडे सैटरडे, सैटरडे नहीं बोलते वहाँ पे, गाना सुनना एक अजय देवगन का था, सैटरडे सैटरडे करके बोलता था, ठीक है, सैटरडे नहीं होता कोई बात, तो वो सैटरडे। तो ये वीक का नाम और मंथ का नाम को भी क्या बोलते हैं साथियों बताओ, जल्दी बताओ, उसके नाम को भी हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ आकाशीय पिंडो, यहाँ पे समझना, कुछ आकाशीय आकाशीय थिंग्स, कुछ आकाशीय थिंग्स होता है THINGS, उनके नाम को भी हम लोग प्रॉपर नाउन रखते, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा आकाश वाली चीज है, जो आकाशीय चीज है, सूर्य, तारा, ये सब भी क्या होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं, क्या होते हैं प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्टकट तरीके थे, तो हमने आपको नाउन को रूबरू करने के लिए बता दिया और नाउन को फैक्ट भी बता दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ नाउन के जो हमारे कन्फ्यूजिंग थे, जो कुछ बचे थे, वो सारी चीज मैंने बता दिया आपको और समझ गए होंगे बारीकी से। बस आज के लिए इतना ही, अगर इन सब की PDF चाहिए ना तो पहले आपको काम करना पड़ेगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो ताकि वो भी सीखें प्रैक्टिकल इंग्लिश, ठीक है। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना हो, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हो तो वहाँ ज्वाइन कर लो, अदरवाइज दूसरा उपाय टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना है PVR Study, क्या सर्च करोगे PVR Study, और वहाँ सर्च करके आप जैसे जाओगे जो चैनल पर लोगो लगा होगा ना वहाँ भी वैसा लोगो दिखाई देगा, दूसरे पे नहीं जाना है, बहुत सारे फेक ID बने होते हैं, उसकी लोगो पे जाकर के क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना और वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। तो बस आज इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।